बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, आज मैं आपको सामने लेकर आई हूँ चिकन सूप। चिकन सूप ज़्यादातर सबको पसंद आता है, बट हम घर में वैसा सूप बना नहीं पाते, इसलिए मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम सूप के लिए बॉईल कर लेंगे चिकन को, और वही चिकन स्टॉक से हमें क्या करना है, सूप बनाना है। इसके लिए आपको जितनी कटोरी सूप बनाना है आप उतना पानी डालेंगे गाइस, क्योंकि जो ये पानी है ना, इसी से सूप का टेस्ट आता है। हम क्या करते हैं, सूप बनाने के लिए अलग पानी लेते हैं, तो वो नहीं, हम जो चिकन बॉईल करते हैं ना, उसी के पानी से हमें बनाना है। तो चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है, और यही पानी में नमक और चिकन, बस और कुछ नहीं ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड कर कर हम चिकन को बॉईल कर लेंगे, और चिकन को हमें निकाल लेना है। फिर इसके हम बारीक बारीक रेशे करेंगे चिकन को, थ्रेड्स इसके निकाल देंगे, थ्रेड्स टाइप इसको निकाल कर अलग अलग रख लेंगे। चिकन हमें अलग अलग कर लेनी है, और गाइस इसे आप हमेशा क्या करें, यही पानी यूज़ करें, इस पानी को फेंके नहीं, इस पानी के अंदर ही सारा टेस्ट होता है। और ये चिकन के थ्रेड कर लिए हैं, और अब ये उसी पानी में हम डालकर इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। और ये सब वेजिटेबल्स आपको इसमें ऐड करनी है, ये है गाजर, रेड गाजर जिसको बोलते हैं हम, ये इंग्लिश गाजर नहीं है, ये हमारे नॉर्मल गाजर्स हैं, और ये है कैप्सिकम। वही पानी में आपको सारी चीज़ें ऐड करते जाना है, क्योंकि और ये देखिए ये कैबेज गोभी है, इसे भी हम ऐड कर देंगे गाइस, क्योंकि वो जो टेस्ट है ना, वो चिकन स्टॉक जो हम कहते हैं, जो हम बनाते हैं चिकन और स्टॉक खास करके, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करते रहना है आपको इसको अच्छी तरह से। और ये है हमारे पास विनेगर है, एप्पल सीडर विनेगर। ये एप्पल सीडर विनेगर हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो सारी वेजिटेबल्स है उसका कच्चापन है उसको दूर करेगा। और ये है चिल्ली सॉस। सारी चीज़ों को आपको बॉईल करते रहना है, और बॉईल के टेम्परेचर पर भी यही सब चीज़ें ऐड करना है। चिल्ली सॉस आप थोड़ा ज़्यादा ना ऐड करें, थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करें, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सोया सॉस भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितना आप चाहते हैं, पर ये ज़्यादा ना डालें, वरना आपका क्या होगा, सूप ब्लैक हो जाएगा, हमें ब्लैक सूप नहीं चाहिए। और ये हमने लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। पहले हमने जो नमक डाला था वो पूरा चिकन में एब्जॉर्ब हो गया था, अब ये जो नमक है ये हम सूप के लिए डालेंगे, ये हमारा मेन सूप के लिए। और ये मैंने डाल दिए हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी आप डाल लें कट कर कर, और अगर आप चॉपर में चॉप करके डालना चाहते हैं तो वो भी कोई बात नहीं, उसे भी डाल सकते हैं। और आपके घर में जो वेजिटेबल्स खाते हैं आप वही वेजिटेबल्स डालें, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं वेजिटेबल्स को यूज़ कर कर बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, जो बनाना चाहती है बना सकते, कोई वो नहीं है। मतलब आपके घर में बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके घर वालों को जो पसंद हो वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स आप डाल दें। अब उसके बाद हमें कॉर्नफ्लावर स्टार्च बनाना है, और कॉर्नफ्लावर स्टार्च हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। कॉर्नफ्लावर स्टार्च का मतलब है कि हमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है, और उसके अंदर पानी नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर हमें उसको सूप में मिलाते रहना है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप दो चम्मच डाल सकते हैं, और अगर आपको कम गाढ़ापन चाहिए तो आप एक चम्मच ही डालें। मैंने इसमें एक चम्मच ही डाला है, और नमक डाला है, बस इसी को डालकर मैं इसे मिक्स करते रहूँगी, तो ये जो पानी है ना वो जाड़ी ग्रेवी बन जाएगी, जैसे सूप में हम पीते हैं, तो इसी तरह आप भी करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले गाइस, हमारा सूप इसी तरह बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, और आप इसी तरह अपनी रेसिपी बनाते रहें। मैं थोड़ा इन्जॉय भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, प्यारी प्यारी किचन क्वींस हैं, तो थोड़ा तो इन्जॉयमेंट चलती है, इसलिए हम हमारी इन्जॉयमेंट के साथ खाना भी बनाते हैं और बातें और गपशप भी करते हैं। और अब ये है बीटेड एग, मतलब आपको अंडा लेना है एंड उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें आप नमक ना डालें, क्योंकि हमने हर चीज़ में नमक डाला है, इसलिए इसमें नमक ना डालें। इसको भी इसी तरह मिलाते मिलाते आपको क्या करना है,
चम्मच घुमाते रहें और अंडा मिलाते रहें, क्योंकि अंडे के बाइट्स चाहिए हमें, पूरा एक साथ अंडा नहीं चाहिए। आप इसी तरह से करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से बनेगा। आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा, और मुझे याद करिएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला मेरी इस रेसिपी के लिए। आप बना कर देखें, फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी थी, मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी। आप मुझे रिव्यूज़ देगा और मुझे नेक्स्ट रेसिपी कमेंट में सजेस्ट करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। और आप मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँगी इंशाल्लाह कि आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, मेरी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी अल्लाह के करम से। और मैं आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, व्लॉग्स वगैरह भी शेयर करूँगी आपसे। इसलिए आपसे कहती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, एंड ये हमारा सूप बनकर रेडी है। आप भी इस सूप को बनाएं और पिएं, इतना अच्छा लगे, और गरम गरम पिए तो आपको टेस्ट पता चले। चले अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना।